नमस्कार, मैं हूं रश्मि। आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ प्रजातंत्र चंदौली, सोनभद्र जाते समय रावत संगज मार्केट के इर्द गिर्द कोई खबर मिल जाने से, जो कि अवैध रूप से कार का बेचीनामा किया जा रहा था, फर्जी तरीके से कार का पैसा लिया जा रहा था। बेचीनामा करने वाले दलाल का नाम सौरभ कुमार मौर्य, पुत्र विनय कुमार मौर्य, निवासी घुवास का रहने वाला है। वहीं पर सैकड़ों कारें खड़ी कर दी हैं, जिसके बारे में पूछताछ करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस संदर्भ में शालू रामक शमशेरपुर ग्राम पंचायत ब्लॉक नौगढ़ जनपद चंदौली का निवासी है। उसका पटवारी भाई नवगढ़ ब्लॉक प्रमुख है, जिस गुंडाई के बल पर उसने प्रजातंत्र टीवी के ब्यूरो चीफ को गोली मारकर उड़ा देने की धमकी दी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या इन अराजक तत्वों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे मीडिया कर्मियों को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। जबकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पुलिस मीडिया कर्मियों की पूरी तरह सहयोग व मदद करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिले के कप्तान इस संदर्भ में कार्रवाई करते हैं।